दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल एक प्रश्न देखने को मिलता है कि x प्लस एक बटे एक्स का मान दिया है, तब एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, या x माइनस एक बटे एक्स का मान दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना होता है। उसके लिए हम आपके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड लाए हैं। देखिए, आपको मान लिया x प्लस एक बटे एक्स का मान दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो करना क्या है कि इसके वर्ग में से दो घटा दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान। और यदि आपको x माइनस एक बटे एक्स का कोई मान दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो इसके वर्ग में दो जोड़ दीजिए। अगर प्लस दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान याद करना है तो दो घटाना पड़ेगा। यदि माइनस दिया है इनके बीच में और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान याद करना है तो दो जोड़ना पड़ेगा, इसमें ऐसे आ जाएगा। इसी से मान लिया आपको x प्लस एक बटे एक्स का मान 5 दिया है और आपसे x की घात 3 प्लस एक बटे एक्स की घात 3 का मान पूछा है, तब क्या करेंगे, इसके घन में से, 3 घात की बात आई है तो इसके घन में से इसका 3 गुना घटा देंगे। 5 का घन होगा 125 और ये 15 घटाया जाएगा, बचेगा 110। इसकी अगर बात करें, आपको x माइनस एक बटे एक्स का मान दिया है और आपसे x की 3 माइनस एक बटे एक्स की 3 का मान पूछा गया है, तब आपको क्या करना है, 3 घात की अगर बात आई है तो 7 का घन करेंगे और उसमें जोड़ा जाएगा 3 गुना इसी का, 7 का घन होगा 343 प्लस 7 ये 21, इसमें जोड़ा जाएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, 364 हो जाएगा। देखिए, अगर योगफल दिया है तो x की 3 प्लस 1 बटे x की 3 ही पूछा जाएगा, माइनस दिया है तो माइनस ही पूछा जाएगा। करना क्या है, योगफल दिया है तो इसके घन में से 3 गुना घटाना है, अंतर दिया है तो इसके घन में से इसका 3 गुना जोड़ना है। होता क्या है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान आपको दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान दिया है और आपसे एक्स की घात 3 प्लस एक बटे एक्स की घात 3 का मान पूछ लिया जाएगा, तब क्या करेंगे, पहले जो इनके वर्गों का एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान दिया है उसमें पहले दो जोड़िए। जैसे यहाँ अगर 23 दिया होता तो उसमें दो जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 25, 25 का फिर वर्गमूल लीजिए, उससे आ जाएगा एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान, और जब एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान आ जाए तो आसानी से एक्स की 3 प्लस एक बटे एक्स की 3 करेंगे इसके घन में से इसका 3 गुना घटा के। वैसा ही अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान दिया है और आपसे एक्स की 3 माइनस एक बटे एक्स की 3 का मान पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान दिया है उसमें से पहले दो घटाइए, वापस जा रहे हैं तो दो घटाएंगे और जो भी बचेगा उसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस एक बटे एक्स, और जब एक्स माइनस एक बटे एक्स आ जाए तब एक्स की 3 माइनस एक बटे एक्स की 3 आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसके घन में इसका 3 गुना जोड़ के। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।